चूजिंग द राइट अंडरवेयर एज पर योर बॉडी टाइप ना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। देखो ज्यादातर लोग ना इसके ऊपर बात नहीं करते, पर मैं आपका बड़ा भाई हूँ तो आई विल डेफिनेटली गाइड यू कि भाई कौन सा अंडरवेयर पैटर्न आपके बॉडी टाइप के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा आता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा मटीरियल आपको प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज याद रखना, अगर आप कोई लड़की हो जो बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल में हो, प्रॉपरली जिम विम जा रहे हो, या कोई लड़के हो जो मान लो एथलीट के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, रनर हो, या मान लो आर्मी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, पुलिस के लिए ट्रेन करना, एकदम एक्टिव लाइफ स्टाइल है, कॉलेज स्टूडेंट है, एकदम लंबा ट्रैवल वैवल कर रहा है, ऐसे एक्टिव लाइफ स्टाइल वाले लड़कों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉज आपकी बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ी ज्यादा होती है एंड आपको स्वेटिंग भी बहुत होता है। इसलिए सही पैटर्न के साथ सही मटेरियल चूज करना तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की वीडियो में आपको मैं 3 बेस्ट ब्रांड्स बताने वाला हूं इन इंडिया फॉर बाइंग अंडरवेयर। मैं आपको आज पैटर्न जो बताने वाला हूं वो होगा ट्रंक्स। अब ट्रंक्स एक ऐसा पैटर्न ऑफ अंडरवेयर है ना जो हर लड़का पहन सकता है, हर बॉडी टाइप पहन सकती है। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको थोड़ा और कुछ स्पेसिफिक खरीदना है तो एंड स्क्रीन वाली वीडियो जो मेरी है ना उसको डेफिनेटली चेक करके जाना। साथ ही में इनकी प्राइसिंग क्या चल रही है, कुछ डिस्काउंट, कुछ कॉम्बो ऑफर है, सारी सब चीजें बताऊंगा वीडियो में आगे। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो आपको ब्रांड बता रहा हूं जो रैंक 1 पे करंटली इन इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट अंडरवेयर ब्रांड आउट देयर भाई, इसका नाम है मॉडर्न क्रू। यार मॉडर्न क्रू के ब्रीफ फ्रेंचाइज के बारे में ना मैंने अपने चैनल पे लास्ट ईयर भी एक वीडियो डाला हुआ था। इट्स अ वेरी गुड ब्रांड एंड कंफर्टेबल भी है, फिट भी काफी अच्छा है एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ये लोग अपने मटेरियल में काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिकॉज मॉडर्न क्रू में आपको माइक्रो मॉडल भी मिल जाता है यार, तो ज्यादातर ब्रांड्स आजकल दे नहीं रहे। इनकी मटेरियल्स ब्रीदेबल होते हैं जो नीडेड है। जैसे मैंने पहले ही बताया, इफ यू आर अ गाय जिसकी एक्टिव लाइफस्टाइल है तो यार आपका बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। अभी आपको पता है कि आपके बॉल्स के हेल्थ के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। काफी ऐसे लड़के जो बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल में रहते हैं या मान लीजिए बहुत ज्यादा चीजें उठा रहे हैं, प्रेशर में रहते हैं, उनको जिनको हर्निया होने के भी चांसेस होते हैं। अब ये सारी चीजों का जो प्रॉब्लम जो बिल्डअप होता है इसमें आपकी लाइफस्टाइल इज द वन टू बी ब्लेम्ड। पर भाई आपको आपके साइड से जितना हो सके प्रिकॉशंस लेकर चलना है एंड इसीलिए ट्रंक्स जैसा पैटर्न पहनना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है एंड इंक्लूडिंग वेयरिंग द राइट मटेरियल जिससे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ना वहां पे हल्का सा कूल रहे। अब इसी चीज का थोड़ा डर को ध्यान में रखते हुए ना मैं यूजुअली मॉडर्न क्रू से शॉप करता हूँ। रीजन बीइंग दैट कि ये लोग मटेरियल में एक्सपेरिमेंटेशन जो करते हैं ना इट नेवर फेल्स। ये जो मैं आपको मॉडर्न क्रू का ट्रंक्स दिखा रहा हूँ ना यार, इसका नाम है द कूल सेंस प्रीमियम कॉटन ट्रंक। अब कूल सेंस बेसिकली क्या है, मॉडर्न क्रू ने ना अपने फैब्रिक में एक्सपेरिमेंट किया है। इनकी फैब्रिक याद रखना ये प्रीमियम कॉटन 95% रहता है, 5% इलास्टिन रहता है। इलास्टिन के होने की वजह से ये आपको दिख रहा है फैब्रिक हल्का तो स्ट्रेचेबल है, हर बॉडी टाइप पे फिट हो जाता है। पर कूल सेंस क्या है ये समझते हैं। कूल सेंस इज बेसिकली इनकी टेक्नोलॉजी जहां पे इनकी मटेरियल इतनी ब्रीदेबल है आपके जो इनर वेयर एरिया का जो टेम्परेचर है ना वो 3 डिग्री से एटलीस्ट कम रखेगा। ये मॉडर्न क्रू अपने कूल सेंस पे क्लेम करता है कि भाई अगर आप हमारे अंडरवेयर पहन रहे हो, हमारे कूल सेंस टेक्नोलॉजी के ट्रंक्स पहन रहे हो, ब्रीफ पहन रहे हो या जो भी, वो आपके बॉल्स के एरिया का एटलीस्ट टेम्परेचर 3 डिग्री से कम रखेगा। अब प्रीमियम कॉटन इसमें 95% यूज किया है, इलास्टिन इसमें 5% यूज किया है। इवन अगर मैं इसके ये वेस्ट बैंड के हिसाब से बात करूंगा ना यार, ये प्रॉपर नो मार्क्स वेस्ट बैंड है। मतलब अगर आप इसको प्रोलॉन्ग आवर्स पहन के भी जा रहे हो ना तो आपके बॉडी पे कहीं पर मार्क नहीं आएगा। वैसे कमाल की बात बताऊं जो कोई दूसरा ब्रांड नहीं कर रहा है बिसाइज मॉडर्न क्रू राइट नाउ, कि भाई ये ब्रांड आपको दे रहा है 1 साल की वारंटी। हाँ मॉडर्न क्रू अपने अंडरवेयर के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी दे रहा है, तो इफ इनकेस आपके अंडरवेयर को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम होता है अकॉर्डिंग टू देयर TNC आपको अच्छा खासा उसके ऊपर रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा। वो जो डिटेल है उसको जानने के लिए आपको उनकी वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। बिकॉज मेरे पास ना पर्सनली मॉडर्न क्रू के मोर देन 10 अंडरवेयर है यार एंड अब तक एक में भी डैमेज नहीं हुआ है। टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट भाई, अगर आप पैक ऑफ 3 खरीद रहे हो ना ट्रंक्स में तो आपको आई थिंक 799 का पड़ जाएगा एंड इफ इनके साथ ब्रीफ खरीद रहे हो या फ्रेंची ऐसा खरीद रहे हो ना तो आपको 749 का पड़ जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई डिस्काउंट कोड होगा, कूपन कोड होगा, कुछ भी होगा ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से उसको खरीद सकते हो। ऑल्सो इफ इनकेस अगर आपको माइक्रो मॉडल भी खरीदना है ना तो आपको मॉडर्न क्रू पे उसके ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो। वैसे नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आप लोग करंटली क्या पहनते हो, ब्रीफ, बॉक्सर, ट्रंक्स या जो भी। अब रैंक 2 पे जो मैंने ब्रांड रखा है जो काफी अच्छे ट्रंक्स बनाता है, इस ब्रांड का नाम है XYXX के जितने भी ट्रंक्स है ना यार वो अपने माइक्रो मॉडल फैब्रिक की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। बिकॉज हम माइक्रो मॉडल फैब्रिक को लेके बहुत ज्यादा इन लोगों ने मार्केटिंग करी थी, एडवर्टाइजिंग कराई थी। बट हाँ इन ऑल ऑनेस्टी एक बात मैं जरूर कहूंगा कि XYXX के पास ना माइक्रो मॉडल फैब्रिक में ना ऑप्शन काफी ज्यादा है। जैसे माइक्रो मॉडल फैब्रिक के बारे में नहीं पता, सिर्फ उसको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। यार ये एक ऐसा फैब्रिक है ना विच इज वेरी लाइट, विच इज वेरी सॉफ्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स अ ब्रीदेबल मटेरियल। मान लो इफ यू समवन जो बहुत ज्यादा स्वेट करते हो, या ये से भी कोई हो सकता है जो बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनता है, एकदम टाइट जेनिम वेनिम पहन कर रखा हुआ, बाइक वाइक पे बैठ के जा रहे हो, एकदम कॉन्स्टेंट आवर्स बैठे हुए हो,
अब आपको ऐसा कोई मटेरियल चाहिए होता है ना जो एकदम लाइट हो तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रीदेबल हो, दैट फैब्रिक इज माइक्रो मॉडल फैब्रिक। अब अगर आप एक्सो एक्सेस के अंडरवेयर को ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो इसकी फैब्रिक सच में काफी अच्छी रहती है, सॉफ्ट रहती है। एंड इवन अगर मैं इसकी ये बैंड के हिसाब से बात करूँ ना तो ये भी आपको एक नो मार्क वेस्ट बैंड ही मिलती है। एक एक्सो एक्सेस में एक चीज डेफिनेटली कहूंगा कि इसमें कलर ऑप्शन आपको काफी ज्यादा मिल जाते हैं, सो इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स एंड ऑल तो आप देख सकते हो वहाँ पे। अभी अगर आप एक्सो एक्सेस से ट्रंक्स खरीद रहे हो ना या कोई भी अंडरवेयर खरीद रहे हो तो उसकी फैब्रिक के हिसाब से उसकी प्राइस अलग हो जाएगी। यार माइक्रो मॉडल ले रहे हो या इंटेलीसॉफ्ट मॉडल ले रहे हो, दोनों के आई थिंक प्राइस रेंज आपको ले दे के पैक ऑफ टू पैक ऑफ थ्री वही 700 रुपए के रेंज में पड़ जाएंगे। याद रखना द प्राइसेस माइट चेंज बिकॉज ये ब्रांड्स के हाथ में होता है भाई, अगर उनकी प्राइसिंग थोड़ी कम हो जाती है कुछ हो जाता है डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा, वरना आप काम कर सकते हैं जो मेरा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स के लिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हो सब्सक्राइब करते हो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो आप वो मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स माय प्राइवेट कम्युनिटी। हम अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं तो जैसे ही कभी भी कोई फ्लैश सेल डील या कुछ ऑफर आता है ना मैं पहले वहां पे अपने लोगों को अपडेट कर देता हूं, तो उसको आके ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आपको ये ब्रांड के अंडरवेयर खरीदने तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लें। एंड रैंक 3 पे जो मैं आपको अंडरवेयर ब्रांड बता रहा हूं ना दिस इज फ्रॉम पेपे जीन्स। यार पेपे जीन्स एज ओवरऑल ब्रांड काफी बढ़िया अपैरल्स बनाता है, काफी अच्छे क्लोथिंग बनाता है, बट टॉकिंग अबाउट देयर अंडरवेयर लाइनअप्स आल्सो ना यार क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी हुई है। यहाँ पे अगर मैं टच एंड फील के हिसाब से बताऊँ ना तो भाई द क्वालिटी इज वेरी सॉफ्ट एंड अच्छा मटेरियल कॉटन यूज किया है। कंपनी कहती है इन लोगों ने इसके अंदर इजिप्शियन प्रीमियम कॉटन यूज किया है, 5% इलास्टिन यूज किया है। ओवरऑल अगर आपको ये होना जिसकी उतनी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, आपको उतना स्वेटिंग वेटिंग नहीं होता है ना, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप पेपे जीन्स ट्राई कर सकते हो। इसके फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पे जो इन्होंने बैंड दिया हुआ है ना इसका मटेरियल भी काफी अच्छा है। ये भी एक नो मार्क वेस्ट बैंड ही है दोस्तों एंड इसकी मटेरियल क्वालिटी भी ऐसी है ना कि आराम से साल भर तो चली जाएगा। पेपे जीन्स ऐसा क्लेम करती है कि उन्होंने 3 times मोर प्रीमियम कॉटन यूज किया एंड ऑनेस्टली इजिप्शियन कॉटन मटेरियल वैसे भी काफी ज्यादा सुपीरियर होता ही है, इसलिए मैंने कहा ना कि टच एंड फील में ही आपको पता चल जाएगा कि यार काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का है। बट एक बात तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि हाँ प्राइस पॉइंट इसी काफी अच्छी है, 250-300 रुपए के रेंज में ही आपको मिल जाता है, बट ये एक ऐसा अंडरवेयर है ना जो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप विंटर्स के टाइम पे अगर पहन रहे हो ना तो ज्यादा सॉर्टेड रहने वाला है, बिकॉज इसका मटेरियल ऐसा है ना कि आपके बॉल्स के रीजन का जो टेम्परेचर है ना वो उसको थोड़ा मेंटेन रखेगा। साइज गाइड के हिसाब से आपको पेपे में ना एस से लेकर डबल एक्सएल तक की साइज गाइड आराम से मिल जाएगी। तो ऑल इन ऑल दोस्तों दीज वो द टॉप 3 बेस्ट अंडरवेयर ब्रांड्स करंटली इन इंडिया जो आपको आपके बजट में मिल सकते हैं। इन तीनों ब्रांड में से आप कोई भी अंडरवेयर डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट मैंने आपको बता दिया इट इज मॉडर्न क्रू, बिकॉज भाई मेरे लिए मेरे बॉडी टाइप के लिए मेरे बॉडी हीट के हिसाब से वो ब्रांड परफेक्ट है एज ऑफ नाउ। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊं कि और भी ब्रांड्स को टेस्ट आउट करूं तो नीचे कमेंट में मुझे बता दो कौन कौन से ब्रांड को आप चाहते हो कि भाई मैं टॉप 3 टॉप 5 के ऊपर करके एक वीडियो बनाऊं, मैं डेफिनेटली उसको चेकआउट करूंगा। ऑल इन ऑल दोस्तों अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे थे एंड अब आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाइयों आप लोग जहां पर भी रहो सेफ और सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान दो। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे रूट क्रू बाय।